मेरे चैनल पे ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है मेरा न्यू लुक, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कल तो मैं गई थी जावेद हबीब में, मैंने रिव्यू दे दिया, सारा कॉन्टैक्ट दे दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उनका सब कुछ मिल जाएगा फुल डिटेल्स में। एंड गाइस, मैंने करवाया था बोटोक्स ट्रीटमेंट, जो मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कितना दिन ये रहता है। सो आफ्टर 3 मंथ के बाद मैं और एक बार रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो जस्ट नया करवाया, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। कि कितना दिन ये अच्छा रहता है वो मैं 3 महीना बाद रिव्यू शेयर करूंगी। सो चलो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मेरा हस्बैंड चला गया है ऑफिस, अभी टाइम हो रहा है 10:30। चलो किचन में चलते हैं। मेरा हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चला गया, बट मैंने अभी तक मेक किया है, मैं अभी करूंगी, क्योंकि ना मैं उनको बना दूँ। और तभी मैं बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं फ्रेशन अप नहीं हुई थी, नहाई तो मैं अभी नहा लिया है एंड वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया धोने के लिए। फिर जो मेरा जीरा वाटर है वो मैं तो सबसे पहले पीती हूँ, आप लोगों को पता ही है। एक ब्लॉगर के घर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या होता है, मैं तो बोलूँगी सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं आती ना तो ऐसा आता है, और मेरा पता नहीं इस जगह पे इतना सनलाइट आती है, एकदम कैसा अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क हो जाता है। वाटर मैंने पी लिया है। एंड ना आज मैं सोची थी लंच में वैसा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड आएगा एकदम शाम को, तो मैं थोड़ा सा ओट्स बना के खा लूँगी। एंड एक बार मैं शाम को, मतलब वही वो ऑफिस से आने से पहले खाना बना लूँगी एक बार में डिनर के लिए। और ये देखो ऑफिस जाते टाइम सारा कपड़ा ऐसे रख के गया। और भी कपड़ा है, मैंने देखा ही नहीं था। सब मैंने ठीक से रख दिया, सारा रूम क्लीन बनाऊंगी एंड ओट्स के साथ थोड़े से सैलड खाऊंगी, और अंडा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस। और किचन में जाने से तो एकदम पसीना से भीग जाती हूँ। सो देख लेते हैं फ्रिज में, ओ दही भी है, मैं सैलड खा सकती हूँ, वही करूंगी, ओट्स खाऊंगी, सैलड खाऊंगी एंड दही खाऊंगी। सो चलो लंच बनाते हैं। सो ये है मेरा आज का लंच, थोड़ा सा ओट्स बनाई, दही एंड सैलड बनाना मेरे साथ में।
लंच तो मैंने कर लिया था, लंच करने के बाद फिर और कैमरा नहीं ऑन कर पाई क्योंकि फ़ोन ही ऑफ हो गया था, फ़ोन में चार्ज नहीं था। तो फ़ोन चार्ज होते होते मैं भी, मेरा थोड़ा सा काम बचा था एडिटिंग का, वो सब कर लिया। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उससे बात हुई आज मेरी, बहुत साल बाद उससे आज मेरा वीडियो कॉल में बात हुआ। और ये देखो आज का वेदर, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे एंड वेदर बहुत अच्छा। अंदर ही बैठते हैं क्योंकि बाहर ना थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है पानी ऊपर से। सो यही था आज का दिन। अभी अभी 6 बज गया है, थोड़ी देर में मेरा हस्बैंड भी आ जाएगा, आने के बाद फिर उनको जिम जाना है। तो कौन है आप, कौन हो? कौन है? क्या करने आए हो आप? खाना खिलाने आपको? कुछ काम है ही नहीं, कुछ काम नहीं। देखो ना, बर्तन बस एक प्लेट और दो बाटी है और कुछ नहीं। वही करने रहे हो? आज बना रहे दीदी रोटी? हाँ, बना दो। आज कुछ काम नहीं है। ये मैं, पता है क्या बनाई थी? ओट्स बनाई थी। मैं आपको पता है अकेली नहीं खाना खा पाती हूँ। देखो उतना सा ओट्स बनाई, वहां से भी थोड़ा सा खाई और सारा रख दिया। अभी आपका भैया आएगा, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, नहीं ऑफिस गया ना आज। ये मैं काट देती हूँ, आप थोड़ा सा आटा गूंथ के रोटी बना दो। तो मैं डिनर बनाने जा रही थी, उस टाइम दीदी आ गई। तो मैं दीदी को बोली आप रोटी बना दो, दीदी बोल रही थी कुछ हेल्प कर दूँ। तो मैं बोली आप रोटी बना दो, मैं सब्जी और दाल बना लूँगी। तो मैं आलू और भिंडी की सब्जी बनाई, मतलब फ्राई किया, और दीदी ने मुझे रोटी बना दिया और मैं दाल भी बनाई थी उसके बाद। सो डिनर बन गया है, यहाँ पे है रोटी, यहाँ पे मेरा है ओट्स जो मैं दोपहर को थोड़ा सा खाई थी ना, यहाँ पे सैलड एंड यहाँ पे आलू भिंडी फ्राई है, यहाँ पे भी है कुछ, और ये है दाल। मैं हूँ, मैं। आप आ गए बाबू? चलो कहाँ पे? जिम है? नहीं जाओगे? जाएंगे, कुछ खाओगे? नहीं क्या मैं कर रहा हूँ किसी अच्छा की गंदा। अच्छा लाइट ऑन करो किचन का। बाबू बैग भी नहीं खोले आप। अरे देखिए देखिए पे है वो। देखो मैं आपके लिए क्या क्या बनाई हूँ, देखो एक बार। आपका फेवरेट दाल, आपका फेवरेट भुजिया। तो आज जिम नहीं जाते, कल जाएंगे। आज नहीं, मेरा पति देव को देखो, खाना देख के बोल रहा है आज जिम नहीं जाते हैं। क्यों बाबू? चलो चलते नीचे से, एटलीस्ट घूम के आते हैं। चलो जिम। हाँ चलो, नीचे से घूम के आना है कि जिम जाना है? जिम जाएंगे। हाँ पहले रेस्ट करो, पहले तो आप रेस्ट क्या कर रहे हैं? हाँ सो अभी आई है मेरी पतिदेव, मेरी बोल रही हूँ, मेरा ना हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मैनेज कर लेना। सो अभी आया है और मैं इतना अच्छे से खाना बना के रखी हूँ, पहले तो खाना देख के बोला कि नहीं अभी नहीं जाऊँगा। और इसको इग्नोर करो, बाहर बारिश हो रहा था ना तो इसको लाके यहाँ पे रख दिया, इस रूम पे ही बहुत सारा स्पेस है तो इसीलिए रख। जाऊंगी मैं भी, जाऊंगी। आप पहले कुछ खा तो लो। मैं तो खा रहा हूँ। अंडा बॉइल कर दूँ? आके थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ी देर बैठो उसके बाद। ना जाऊंगा पर पड़ा नहीं, अभी देखा नहीं थी क्या। और आपको पता है रोटी कौन बनाई है? दीदी। हाँ मैं खाना बना रही थी तो फिर दीदी आई, दीदी आके बोली कि क्या करूँ, और ऐसा कुछ काम थे भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है कभी कभी इधर उधर हो जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो बैग कहाँ पे ला कर रख दिया, अभी वो ऑफिस से आया है, ऑफिस में कहाँ बैग रखा, डस्ट होगा वो आके बेड में जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं पूरा दिन काम करने के बाद। सो गाइस मेरा हस्बैंड जा रहा है जिम और मैं आज जिम नहीं जाऊंगी क्योंकि कल पूरा रात मैं नहीं सोई, पूरा रात बैठ के वीडियो एडिट किया था। सुबह 6 बजे सोई, 8 बजे उठ गई नींद से क्योंकि आज मेरा हस्बैंड को ऑफिस जाना था। देखो मैं आपके लिए कितना सोचती हूँ। ओके ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ बाय, फिर मिलते हैं कल, मेरे को भी लेके जा रहा है। बाय।